so please understand there are certain points to be taken care of I am assuming that you have covered concept plus question at least once or twice so please don't try to substitute these revision lectures as study lectures detailed वाले भी मेरे जो available है videos उसके साथ compare मत करना क्योंकि ये revision lectures है study lectures नहीं है clear है तो questions पे हम ज़्यादा focus नहीं करने वाले concepts जो है मैं assume कर रहा हूँ आप एक बार दो बार कर चुके हो so that you are able to grasp the concepts विद स्पीड एंड विद विच द रिविजन लेक्चर विल बी कंडक्टेड क्लियर सेकेंड इसके साथ साथ एमसीक्यू जरूर आपको करने एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर दैट एस वोल्पिक क्लासेस फॉर सी ए फल लॉ सर्च कर लो नहीं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएंगे कंपनी लॉ भी हमारा चल रहा है चार से पांच एमसीक्यू डेली कवर किए जा रहे हैं So क्लासेस में कई मिसिंग था एंड इफ यू वॉन्ट माई क्लासेस आप कंसिडर कर सकते हो यू कैन गो एंड चेक अवर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट एस वालिम्बे क्लासेस डॉट कॉम अभी पंद्रह अगस्त तक फिफ्टीन ऑगस्ट तक टेन एक डिस्काउंट भी चल रहा है ऑन ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे तो वो भी आप चेक कर सकते हो वेबसाइट डायरेक्टली स्पीड काइंडली अंडरस्टैंड धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट समझा के क्लास में तो हम नोट्स को छोड़ के अपनी एक राइटिंग पे भी जाते हैं जो मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूं तो वो सब नहीं हो पाएगा प्लीज अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस रिविजन लेक्चर तो स्पीड थोड़ी सी रहेगी एंड यू हैव टू एबल यू यू शुड बी एबल टू ग्रास्ट द कंसेप्ट इसीलिए मैं कह रहा हूं आपने एक बार कर रखा है उसके सिवा कोई भी जनरल क्वेरी आती है स्टडी क्वेरी आती है यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन नाइन फाइव सिक्स जीरो फोर थ्री सिक्स नाइन वन जीरो व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेना कॉल कर सकते हो बट थोड़ा बहुत हो जाता है कि टाइम मैच करना सो इट्स प्रेफरेबल दैट यू मैसेज एंड इफ डिसाइडेड देन वी कैन हैव अ वर्ड ऑन कॉल नॉट एन इशू एंड पिछली बार मैं हमेशा ट्राई करता था कि रिविजन लेक्चर्स एक अटेम्प्ट स्पेसिफिक आए राइट एंड उसका आप उसी टाइम इस्तेमाल करें बाद में उस पर रिलाय ना करें क्योंकि फिर आपकी स्टडी इम्पैक्ट कर जाती है तो मैं रिविजन लेक्चर्स रखता था कुछ हटा देता था बट बहुत स्टूडेंट ने मैसेज किया है तो इस बार डोंट वरी रिविजन लेक्चर कोई दिक्कत नहीं है यूट्यूब पे ही रहेंगे टेंशन मत लेना जब मन करे तब देख लेना एग्जाम तक एग्जाम डे तक एग्जाम डे के बाद जब भी आपका मन है क्लियर स्कोप क्लियर है स्टार्ट करें ये इंट्रोडक्शन पार्ट सब में रहेगा राइट एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर रिविजन ओके लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर थ्री बहुत इजी चैप्टर है मैनेजर रेमेशन एंड वेरी वेरी प्रैक्टिकल सो लेट्स स्टार्ट विद रिविजन अच्छा पहले इंट्रोडक्शन बेसिक सर्टेन डेफिनेशन तीन डेफिनेशन कवर करनी है मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर सेक्शन टू क्लॉस फिफ्टी थ्री सब सेक्शन फिफ्टी थ्री मत बोल देना भाई क्लॉस फिफ्टी थ्री है ओके सो इट मीन एन इंडिविजुअल अभी एक इंडिविजुअल है ध्यान रखना ये डायरेक्टर नहीं है जरूरी नहीं है ये डायरेक्टर ही इज एन इंडिविजुअल डेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ही विल एक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ही मैनेजमेंट ऑफ होल और सब्टेंशिय होल ऑफ दफेयर्स ऑफ द कंपनी मतलब पूरी या फिर सब्सटेंशली होल सर वॉट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशली होल एक्जैक्टली डिफाइंड नहीं है केस टू केस डिपेंड करेगा क्वेश्चन में समझ आ जाएगा कि मैनेजर है या नहीं है एंड इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन प्लीज मार्क दिस पॉइंट अ मैनेजर डज नॉट नीड टू बी अ डायरेक्टर वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है इसीलिए यहां लिखा गया है इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन

डायरेक्टर ये डायरेक्टर सर कैसा हो सकता है, है? हाँ, है? हाँ, एडिशनल हो, हाँ, हो सकता है हाँ भाई हाँ कोई भी डायरेक्टर हो सकता है और उसके ऊपर हमने उसको एक क्राउन पहनाया है किस चीज का भाई तू मैनेजिंग डायरेक्टर है एक छोटी सी बात जो चैप्टर नंबर वन में मैंने स्पेसिफिकली स्ट्रेस नहीं करी एक लाइन बोल रहा हूं मैनेजिंग डायरेक्टर को निकालना रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज इट अंडर द स्कोप ऑफ सेक्शन 169 आंसर इज नो क्यों क्योंकि वहां पे हम डायरेक्टर को रिमूवल की बात करते हैं अगर मैं एमडी एमडी को एज एन हटाता हूं वो डायरेक्टर तो कंटिन्यू करेगा ना एमडी को एमडी की तरह हटाने के लिए बोर्ड के पास पावर है वहां पे मेंबर्स का जो 169 का रिमूवल होता है वो एज अ डायरेक्टर रिमूव होता है एमडी अगर रिमूव हो जाता है तो डायरेक्टर तो कंटिन्यू करेगा ना तो अगर एमडी को निकालना है तो 169 नहीं लगता ध्यान रखना ओके मैनेजिंग डायरेक्टर सेक्शन 2 क्लॉज 54 मींस अ डायरेक्टर यहां इंडिविजुअल मत बोलना वो एक डायरेक्टर है सबसे पहले मतलब यहां 164 167 सब कुछ नॉर्मल लगेगा ठीक है हु बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स और एग्रीमेंट विद द कंपनी और एनी रेजोल्यूशन बोर्ड और मेंबर्स तो कहीं से भी उसको ये पावर मिल सकती है क्या इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी यहां ऐसा नहीं लिखा होल और सब्सटेंशियली होल यहां पर लिखा है सब्सटेंशियली द अफेयर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी एंड इट अगेन ऊपर वाले की तरह इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इंक्लूसिव डेफिनेशन है आप उसको बोलो या ना बोलो एमडी

एंड इफ ही इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो क्या वो होल टाइम डायरेक्टर होगा आंसर इज नो सर क्यों क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर तो सर एम्प्लॉयमेंट में रहेगा ना कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर तो अगर एम्प्लॉय नहीं है तो होल टाइम कैसे काम करेगा तो वो होल टाइम डायरेक्टर नहीं रहेगा नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा कंपनी में दो होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं बट ऑब्वियस बट क्या एक एक बंदा दो कंपनीज में होल टाइम डायरेक्टर बन सकता है लॉजिकली नहीं बन सकता लॉ के हिसाब से बन सकता है

ये वाले लोग मैनेजर नहीं होते ये मैनेजर पता है कौन होता है जीएम सुनी होगी ना आपने पोस्ट जीएम इज द मैनेजर ऑफ एज पर है बात हाँ सर अब आते हैं जरा सेक्शंस पे सेक्शन 196 अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इन तीनों को प्यार से मैं क्या बोलूंगा मैनेजरियल पर्सन अब प्रोहिबिशन समझ लो एक नो कंपनी शैल अपॉइंट और एम्प्लॉय एट एट द द सेम सेम टाइम टाइम पॉइंट टू टू बी बी फोकस्ड फोकस्ड कीवर्ड्स अ अ एमडी एंड मैनेजर सर क्यों क्योंकि इसके पास भी सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है एंड अ मैनेजर आल्सो हैज सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट और इन दोनों को अगर एक साथ अलाउ कर दिया तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा लड़ाई होती रहेगी और कंपनी में काम होएगा ही नहीं लॉ ने कहा तुम छोड़ो मैं ही मना कर देता हूं वन वन ने प्रोहिबिशन डाल दी A maximum term of a managerial person, and this particular subsection is not applicable on a government company, obviously provided 92 137 are complied. No company shall appoint or reappoint any person as its managerial person for a term exceeding five years. एट अ टाइम की पॉइंट तीस साल कंटिन्यू करा लो लेकिन हर बार एक एक टर्म उसका मैक्सिमम पांच साल का रहेगा और अगर रीअपॉइंटमेंट करनी है तो वो सिर्फ लास्ट ईयर में रहेगी पहले साल में आप ये नहीं बोल दोगे कि पांच साल के बाद रीअपॉइंट करूंगा ना फिफ्थ ईयर में बोलना क्लियर है बात ओके नेक्स्ट

एज बिलो 21 और अटेंड 70 21 से कम नहीं होना चाहिए 21 चल जाएगा और 70 से कम होना चाहिए ध्यान रखना ठीक है ओके सर अब इन दोनों में से अगर मैं एक को अलाउ करना चाहूं तो किसको करूंगा सत्तर वाले को क्यों सर एक्सपीरियंस बनता है तो एक काम करते हैं अगर फर्स्ट प्रोविजो ने कहा यार दुखी तो आपको अपॉइंट करना है ना सत्तर वाले को क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है कर लो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो और स्टेटमेंट जो लगाओगे ना आप अपने जनरल मीटिंग की नोटिस में उसमें प्लीज प्रोवाइड क्यों अपॉइंट करना चाहते हो तो कंपनी जस्टिफिकेशन तो दे देंगे एसआर नहीं आ पा रहा ओआर तो दे आ पा रहा है मतलब मेजॉरिटी एग्री कर रहे हैं उसको लेकिन 75% वाली नहीं आ रही है एक काम करो ओ के साथ साथ सीजी का अप्रूवल ले लो और सीजी शुड बी सेटिस्फाइड ऑन मेड बाय कंपनी इट शुड बी सेटिस्फाइड दैट सच अपॉइंटमेंट सच बोले तो सत्तर साल वाला जो बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं इट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू कंपनी क्लियर है बात ये सेकंड प्रोविजन ने बोला ओके okay. बी सी डी पढ़ते हैं बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एट एनी टाइम एडजर्ज एंसॉल्वेंट आपके ऊपर कभी भी ये मोहर लग गई कि आप इंसॉल्वेंट थे आप कभी भी मैनेजर पर्सन नहीं बन सकते क्योंकि एट एनी टाइम बोला है ऐसा नहीं बोला कि कूलिंग ऑफ पीरियड प्रोवाइड कर रहे हैं सी एट एनी टाइम लाइफ में कभी भी यू हैव सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स और मेड एनी इन कॉम्पोजिशन विद मतलब क्रेडिटर की पेमेंट आप पूरी नहीं कर पाए हो लाइफ में ऐसा मिनिमम एक इंस्टेंस हुआ है जिसके अंदर आपने क्रेडिटर की पेमेंट को सस्पेंड किया है Enter किया है कॉम्प्रोमाइज एंटर किया है तो भैया जो आप बंदा अपने खुद के ड्यूज ना पे कर पाए उसको हम पर्सन नहीं बनने देंगे कोर्ट का ऑर्डर आना जरूरी है और यहाँ पे नॉट लेस नहीं है मोर देन सिक्स मंथ्स। तो लेस देन अपने कोई इशू नहीं है क्लियर है बात नेक्स्ट अप्रूवल्स वन नाइन सिक्स फोर अब मैंने उसको अपॉइंट करते हुए देख लिया सिक्स थ्री सब कुछ सही है ना पांच साल तक अपॉइंटमेंट लेकिन भैया अप्रूवल का क्या कौन सी अथॉरिटी अप्रूव कर रही है तो ध्यान से समझो अप्रूवल दो चीजों की ली जा रही है टर्म्स कंडीशन की भी एंड रेम्युनरेशन की भी सो सब्जेक्ट टू वन नाइनटी से रेम्युन के बारे में दे विल थ्रो समलाइट हमें तीन तीन जनों के अप्रूवल की जरूरत है जिसमें से दो की पक्की है एक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परसेंट चाहिए मेंबर्स की 100 परसेंट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की चेक करेंगे शेड्यूल फाइव पार्ट वन में कोई वेरिएंस है क्या so, सबसे पहले यू विल टेक द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है और ये जो रिजोल्यूशन है ना अप्रूवल ये बोर्ड मीटिंग में देना पड़ता है सर्क्यूलेशन अलाउड नहीं है नॉट अलाउड ठीक है दिस विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू मेंबर्स रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग सर मेंबर्स रिजोल्यूशन मतलब क्लैरिफाइन करो ओ या एस आर ओ आर ओ ठीक है ओआर से काम चल जाएगा एंड उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है तो सीजी का अप्रूवल भी चाहिए सबसे एक गवर्नमेंट कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगते तो ध्यान रखना वन नाइनटी सिक्स टू वन फोर एंड 196 नाइनटी फाइव गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता आप छोटा सा यहां पे बना सकते हो गवर्नमेंट कंपनी पे 196 नाइन सिक्स टू फोर और फाइव और प्राइवेट कंपनी पे फोर और फाइव अगर आप फाइव no तो तो लग तो लगेगा ना तो ये बोलने की जरूरत नहीं थी बट कोई बात नहीं अच्छा दो तीन इंपॉर्टेंट बातें फर्स्ट प्रोविजो टू आके बोलता है कि भैया जब आप बोर्ड मीटिंग दोगे बोर्ड मीटिंग रखवाओगे उसकी नोटिस दोगे जब आप ये सॉरी ये वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था ये वाला मेंबर्स तो जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखवाओगे जब आप मेंबर्स की मीटिंग रखवाओगे इन दिस केसेस यू हैव टू गिव डिस्क्लोजर्स, यू हैव टू गिव डिस्क्लोजर्स कि आप किसको अपॉइंट कर रहे हो उसकी टर्म्स कंडीशंस क्या है उसका रेमुनरेशन क्या है उसका एक्सपीरियंस क्या है उसका इंटरेस्ट क्या है एवरीथिंग

रिटर्न इन द प्रिस््राइब फॉर्म दैट इज रूल थ्री सेम आर वन शेल बी टाइम में विद इन सिक्सटी डेज ऑफ अपॉइंटमेंट कहां फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास और रूल सेवन आके कहता है कि अगर आपको सीजी को कोई एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ रही है यहाँ पे ठीक है फॉर अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट देन इन दैट केस विद इन नाइनटी डेज आपको फाइल करना है एम टू विद इन नाइनटी डेज फाइल करना है एम टू अब एक दिमाग में डाउट आया इस बच्चे के ये कौन है बच्चा मैनेजरियल पर्सन है वो कह रहा है सर अगर मेंबर्स ने मेरी अपॉइंटमेंट अप्रूव नहीं करी देखो बोर्ड अगर approve, अगर अप्रूव बोर्ड ही अपॉइंट नहीं करता तो तो मैं काम ही नहीं स्टार्ट करूंगा मेरे को बोर्ड ने तो अप्रूवल दे दी मैंने काम भी स्टार्ट कर दिया लेकिन मेंबर्स ने मुझे अप्रूवल नहीं दी तो उस केस में क्या मेरे प्रायर एक्ट वैलिड रहेंगे आंसर इज इज यस यस सर अब इसी को मैं लिंक कर रहा हूं सेक्शन 176 के साथ कल काफी बच्चों ने चैट में, में मेरे से पूछा था कि सर ये ये दोनों का रिलेशन समझ में नहीं आया तो पेपर में देखना ये कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है दोनों में हमारा आंसर क्या आता है 176 में भी कुछ ऐसा ही इशू है कि एक्ट्स विल बी वैलिड तो आपको देखना है क्या केस है अगर ऐसा लिखा गया है कि एक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था या टर्मिनेट हो चुका था तो कॉन्सिक्वेंस क्या है एक्ट वैलिड रहेंगे बट आप रेफर करोगे लेकिन अगर ऐसा बोला गया है कि वो डायरेक्टर एमडी था या होल टाइम डायरेक्टर था और उसकी जो अपॉइंटमेंट मेंबर्स ने अप्रूव नहीं करी तो आपको लिखना है कि एक्ट विल बी वैलिड बट परसोन टू वन नाइन सिक्स फाइव गलती आई होप द बाइफरकेशन इज क्लियर मैनेजर के केस में इशू आएगा ही नहीं डायरेक्टर जब एम या फुल टाइम डायरेक्टर है ना तो जल्दबाजी में जल्द बात हाँ uh, तो अब सर दिमाग में डाउट आ रहा है किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा है क्या सर यहाँ पे आपने बोलाबर्स ऑल्सो अप्रूव एंड बाद में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट अप्रूव क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आप अपॉइंटमेंट के नाइनटी डेज बाद एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो इन दैट केस आपको क्या लिख के आना है कि स्पेसिफिकली दिस थिंग इज नॉट डेल्ट इन एक्ट, बट लॉजिकली एज पर वन नाइनटी द एक्ट विल वैलिड उस केस में भी वैलिड मानी जाएगी। क्लियर है अच्छा अब बात करते हैं जरा पार्ट नंबर वन शेड्यूल नंबर 5 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर क्लासेस दैट नीड टू बी कम्पलाइड एंड इफ देर इज एन ए यू हैव टू गो एंड टेक अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन इन दैट केस उसके बाद ही वो अपॉइंटमेंट वैलि मानी जाएगी क्लियर है बात सो ऑल दीज कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर विदाउट अप्रूवल केस चले आगे चले ए बी सी और ई e. सर आपने नंबरिंग में गलती कर दी है डी क्लोज ओमिटेड है ठीक दैट पर्सन हैज नॉट बिन सस्पेंड हैड नॉट बिन सेंटेंस टू एनी इंप्रिजनमेंट फॉर एनी पीरियड मतलब एक दिन की जेल भी नहीं होनी चाहिए एंड नो फाइन एक्सीडिंग रुपीज वन थाउजेंड मतलब इन दोनों में से एक भी लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसीलिए अगर आपको चाहिए केस नो अप्रूवल का तो दोनों आपको कंप्लाई करवाने पड़ेंगे फाइन एक्सीडिंग वन थाउजेंड नहीं लगनी चाहिए अपटू वन थाउजेंड अलाउड है अच्छा सर अगर मैंने ऑफेंस कंपाउंड करा लिया तो वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा आंसर इज नो ओके और सर कन्विक्शन ये जो आप कह रहे हो ये जो कन्विक्शन आप कह रहे हो सेंटेंसिंग हुई है ये कौन से एक्ट्स में हुई है दिस कैन बी एनी ऑफ द नाइनटीन एक्ट्स एक बार मटेरियल में लिस्ट पढ़ लेना वरना छोड़ देना इनकम टैक्स एक्ट जीएसटी सब कवर होगा ओके बी ही एंड नॉट बीन डिटेन फॉर एनी पीरियड अंडर कॉफे पोसा दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक दिन के लिए भी डिटेन नहीं होना चाहिए एक दिन के लिए भी डिटेन हो गया तो आपको सीजी जी की अप्रूवल चाहिए होगी कंप्लीटेड एज ऑफ ट्वेंटी वन ईयर एंड नॉट अटेंड द एज ऑफ सेवेंटी ईयर मिलता जुलता वन नाइनटी सिक्स थ्री एंड ऑब्वियसली अगर आपने वहां पे एसआर वाली कंडीशन पास कर दी थी आपने ये एस वाली कंडीशन पास कर दी थी तो आपको यहां पे भी उसकी उसका फायदा मिल जाएगा यू डोंट नीड एनी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेकिन सर अगर एस आर नहीं हमने ये वाला फायदा उठाया था सेकंड थाविजो का तो आपको सीजी की अप्रूवल चाहिए रहेगी क्लियर एंड ई ही बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नोटिफाइड एस इजेड अब दिमाग में डाउट सर ये रेसिडेंट का मतलब क्या है रेसिडेंट मतलब जिस दिन वो बंदा अपॉइंट हो रहा है उससे 12 महीने पहले मतलब पूरा 12 मंथ पीरियड में हीज इन इंडिया प्लस इट इंक्लूड्स अनादर पर्सन कम टू इंडिया क्योंकि बाहर वाला तो बारह महीने रहा नहीं होगा बट वो इंडिया आया है एम्प्लॉयमेंट बिजनेस या वोकेशन के लिए तो वो भी रेसिडेंट में काउंट किया जाएगा तो पढ़ लो ये वाला एक्सप्लेनेशन इट इंक्लूड सच पर्सन ठीक है बारह महीने का टाइम पीरियड लर्न करना एंड जो इंडिया आया है उसको भी आपको इंक्लूड करना है सर ये वाली बातें क्या लिख दी आपने इतनी सारी ये कुछ नहीं है सिंपल भाषा में समझो आपके दिमाग में क्वेरी आएगी सर सपोज एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं इम्प्रिजनमेंट हो गई थी मुझे इसके अंदर चार दिन की लेट से तो आपने कहा कि मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा हाँ आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा मैंने अप्रूवल ले लिया मैंने अप्रूवल ले लिया अब उसके बाद ना मेरी एक और अपॉइंटमेंट हो रही थी तो मुझे दोबारा अप्रूवल लेना है ना आपने एक बार अप्रूवल ले लिया उसके बाद सारी अपॉइंटमेंट्स में आप फिर लग सकते हो अनलेस एंड अनलिस उस अप्रूवल के बाद आप फिर से इसमें इस कहीं पे नहीं यू फॉल इनटू इट मतलब सिंपल सी बात कि आपको हर बार ईच एंड एवरी अपॉइंटमेंट के टाइम अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है एक बार ले लिया बहुत है फ्यूचर में आप लग जाओ प्रोवाइडेड आप उस अप्रूवल के बाद फिर से ए और बी में कहीं गिर तो नहीं रहे आप पे ए और बी क्लॉज एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा है आप आप फिर से डिटेन तो आप फिर से से तो तो नहीं नहीं हो गए पे कोई फाइन एक्सीडिंग क्लियर है बात यस सर ओके एक छोटी सी बात पेपर के लिए ध्यान रखना यहाँ पे ना जब डिसक्वालिफिकेशन की बातें आती है तो दो चीजें दिमाग में आती है जो ऊपर हमने चार क्लासेस पढ़े और शेड्यूल फाइव का पार्ट नंबर वन जो अभी अभी हमने पढ़ा अब प्लीज ये चीज दिमाग में बिठा लो कि ये जो शेड्यूल फाइव पार्ट नंबर वन में अगर कोई दिक्कत आती है कोई नॉन कंप्लायंस आती है तो सीजी अप्रूवल से काम चल जाता है लेकिन सर वन थ्री के चार क्लॉजेस में जो ये वाले पढ़े इसमें कहीं दिक्कत आ गई तो सीजी अप्रूवल से काम नहीं चलेगा पेपर में गलती से दिमाग में बच्चों को आ जाता है कि सर यह डिस्कालिफिकेशन था हमने लिख दिया सीजी अप्रूवल ले लो बेटा वो पार्ट पार्ट नंबर वन के हिसाब से काम होता है अगर 196.3 थ्री में कोई इशू आ जाए सी अप्रूवल से कोई कुछ नहीं होगा 196.3 थ्री में बंदा फंस गया तो फंस गया डिस्कालीफाइड रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसी से भी अप्रूवल ले लो क्लियर है बात हाँ सर अच्छा एक छोटी सी बात बिफोर वी गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ रेम्युन इन पार्ट नंबर टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेम्युन रेम्युनिशन मतलब जो भी पैसा या पैसे के इक्विवेलेंट आप देते हो प्लस इट इंक्लूड्स परक्विजिट्स एज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसके एक्सपर्ट आप मेरे से ज्यादा हो नॉट एक्सपेक्टेड इनकम टैक्स की डिटेल्स यहाँ पे आपसे आप नहीं पूछी जाएंगी बस जनरल आइडिया आपको लगना चाहिए कि रेम्युनिशन का मतलब क्या है ठीक है सो इट इंक्लूड्स परक्विजिट्स अच्छा अब सर जब रेम्युनोरेशन की बातें छेड़ेंगे तो हमें सेक्शन वन सेक्शन टू में अपने डिवा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेक्शन वन कहता है रेम्युनोरेशन पेबल कंपनीज हैविंग प्रॉफिट आ रहा कंपनी के पास बहुत पैसा है बहुत पैसा है तो फिर वन नाइनटी सेवन के पास जाने दो बहुत पैसा है तो वन नाइनटी सेवन के पास जाने दो कोई दिक्कत नहीं है एंड अगर पैसा नहीं है या फिर इनएडिक्वेट है सर व्हाट डू यू मीन बाय इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स मतलब मुझे देना है बीस लाख रुपए का रेम्यूनरेशन मेरे पास है ग्यारह लाख रुपए का प्रॉफिट दिस इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट तो है प्रॉफिट तो है बट इतना नहीं है जितना चाहिए था क्लियर सो इन दैट केसेस वी विल टॉक अबाउट शेड्यूल नंबर फाइव जो भी हमें नीचे आपको डिटेल्स लेके जाने वाले सो इन केस ऑफ नो प्रॉफिट्स और प्रस यू कैन पे पेमेशन टू मैनेजरियल पर्सन मतलब एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर और यू कैन पे टू एनी अदर डायरेक्टर यह भी रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं कहूंगा टाइम हो गया अमेंड हुआ था पहले अदर डायरेक्टर नहीं होता था सर अदर डायरेक्टर में आता कौन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर

या तो सारा लैक्स में कैलकुलेट करो या तो सारा करोड में कैलकुलेट करो क्लियर है एंड अदर डायरेक्टर के लिए अगेन सिमिलरली दिस इज मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पर ईयर टू ईच डायरेक्टर ये सारे के सारे फिगर्स है ना ये लर्न करने का इजी तरीका ये सारे डिवाइड बाय फाइव कर देना 60 डिवाइडेड बाय 5, 84 ये 16 का राउंड ऑफ 17, 120 डिवाइडेड बाय 5, 24 और यहाँ पे 24 फोर प्लस पॉइंट जस्ट लाइक दिस ठीक है इन एक्सेस ऑफ 250 फिफ्टी करो क्लियर है बात ये तो आपको लर्न करना है आगे बढ़ रहा हूँ अब सपोज मन है कि मेरा जैसे ये केस बन रहा है ठीक है और ये सिक्सटी लाख है तो मुझे इसमें ना सिक्सटी टू लैक देने का मन है तो दे दू या नहीं दू दे दो भाई एक्सेस दे दो एस पास करा लो तो इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू पे एक्सेस ऑफ अबाउट लिमिट्स इट इज पॉसिबल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर्स एंड सपोज मेरा क्वेश्चन में ऐसा है कि वो जो बंदा अपॉइंट हुआ है ना वो छह महीने के लिए अपॉइंट हुआ है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सप्टेंबर को अपॉइंट हुआ है ठीक है फर्स्ट सप्टेंबर नहीं सॉरी फर्स्ट अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो फिर उस केस में मेरी लिमिट्स जो है ना वो प्रोराटा हो जाएंगी डिवाइड बाय टू इफ द पीरियड इज लेस देन वन ईयर देन यू हैव टू प्रोराटा द लिमिट्स क्लियर है बात हाँ सर अच्छा इन केस ऑफ अ मैनेजरियल पर्सन और अदर डायरेक्टर हु इज फंक्शनिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी अब पहले होता था कि प्रोफेशनल कैपेसिटी के केस में वो बोलते थे कि आप कंडीशन कंप्लाई करो और रेमुनरेशन कुछ भी पे कर दो सर लॉजिकली तो बात यही बनती है ना लॉजिकली तो बात यही बनती है कि प्रोफेशनल कैपेसिटी वालों के लिए मैं कुछ कंडीशन कंप्लाई करवाऊँ और बोल दू की रेम्यूरेशन कुछ भी पे करो लेकिन ये दो तीन साल पहले अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने और पता है क्या बोला क्या इनका जो एक्सिस मतलब आ, लिमिट के ऊपर कोई अमाउंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं था ना वो हटा दिया और क्या बोल दिया आप इनको भी रेम्यूनरेशन एज पर आइटम नंबर ए ही पे करना आप इनको भी रेम्यूनरेशन एज पर आइटम नंबर ए ही पे करना भाई अब मेरे को प्रोफेशनल होने का कोई फायदा तो दे नहीं रहे ऊपर से कंडीशन नीचे और लगा देंगे तो ये लॉजिकल नहीं है आज के इसमें लेकिन हम पेपर के लिए पढ़ेंगे ठीक है तो इनकी लिमिट जो है वो सेम है जो टेबल वाली है लेकिन इनको तीन कंडीशन कंप्लाई करनी है क्या दे शुड हैव ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन विद एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइज नॉलेज इन द फील्ड इन विच कंपनी ऑपरेट्स दे आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट डायरेक्ट है इनडायरेक्ट इंटरेस्ट और दे शुड नॉट बी रिलेटेड टू डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी होल्डिंग एंड एनी सब्सिडरी ड्यूरिंग लास्ट टू प्रीवियस लास्ट टू ईयर्स बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑन द अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट ठीक है ये तीन कंपनीज के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए प्लस इन तीन कंपनीज में कहीं पे भी उसका कोई भी कैपिटल नहीं होना चाहिए इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी अदर स्टेट्यूटरी स्ट्रक्चर मतलब उसकी और कोई फर्म है और उस फर्म के थ्रू उसने कैपिटल होल्ड कर रखा है ये सब काम भी नहीं चलेगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू दीज तो थ्री थी कंपनीज अब एक दिमाग में डाउट कि सर अगर एक एम्प्लॉई है अगर एक एम्प्लॉई है कंपनी का और उसके पास ईसॉप वगैरह के केस में कुछ शेयर्स आ गए कंपनी के तो वो भी आप इसके अंदर मुझे पकड़ लोगे और आप बोल दोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना, हम आपको तक एक दे रहे है और होल्डिंग कवर नहीं, नहीं है उस कंपनी की बात कर रहे हैं जिस कंपनी में अपॉइंटमेंट है उसके अंदर अगर 0.5 परसेंट तक आप होल्ड कर रहे हो अंडर एनी स्कीम फॉर्मुलेटेड फॉर एग्जांपल ई सॉप या बाय वे ऑफ क्वालिफिकेशन

फोर डीशन दैट नीड टू बी कम्प्लाइड फॉर रेमुनरेशन एज पर आइटम नंबर ए एंड आइटम नंबर बी सेकंड प्रोविजन आके बोला कि भैया अब आइटम ए हो या आइटम बी हो आपको चार कंडीशन कंप्लाई करनी है और ये पेपर में लिख के आनी है नहीं लिख के आओगे तो पेपर में नंबर कटेंगे ठीक है ये हर आंसर का पार्ट बनना चाहिए क्योंकि ये कोई भी आइटम हो इसमें ये चार कंडीशन लगानी है पहली द पेमेंट नीड्स टू बी अप्रूव बाय बोर्ड रेजोल्यूशन एंड इफ एनआरसी वन सेवेंटी एट अपलाईज याद है ना वन सेवेंटी सेवन वन सेवेंटी एट किया था कल के चैप्टर में तो अगर एनआरसी आपकी बनी हुई है तो आपको एनआरसी से भी अप्रूवल चाहिए बोर्ड से तो चाहिए चाहिए एनआरसी है तो एनआरसी से भी अप्रूवल लो नेक्स्ट शुड नॉट बी एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ऑफ ड्यूज सेन सी एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स और एनी अदर सिक्योर्ड क्रेटर ध्यान रखना अनसिक्योर्ड को मैंने पे कवर नहीं किया है और इन चारों को आप लर्न कर लो नीचे दो तीन बार आने वाले हैं वहां पर मैं पता है क्या बोलूंगा वही चार सर तो वही चार मतलब ये मेरे साथ लर्न कर लो बैंक एफ आई नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एनी अदर सिक्योर्ड क्रिएटर इसके लिए कोई वो एक्रोनिम और वो सब बनाने की जरूरत नहीं है आधे से ज्यादा बच्चे ये गलती करते हैं इतने सारे शॉर्टकट शॉर्टकट और वो कोड्स बना लेंगे कि पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कोई जरूरत नहीं है फालतू जगह कोई भी आपको कोड बनाने की इसमें चार मेरे साथ लर्न करो बैंक पी एफ आई नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एनी अदर सिक्योर्ड क्रिएटर इन चारों के रिस्पेक्ट में कोई अगर ड्यूस का डिफॉल्ट है तो आपको मेंबर्स की रिजोल्यू मेंबर्स की अपॉइंटमेंट जो आप लेते हो वन में उससे पहले आपको इनकी अप्रूवल ले लेनी है ठीक है तो देखो अगर डिफॉल्ट है तो देयर प्रायर अप्रूवल शेल बी ऑप्टेन बिफोर द कंपनी अप्रूवल इन द जनरल ठीक है नेक्स्ट आइटम नंबर ए अगर आपका है आइटम नंबर ए अगर आपका है तो आपको नॉर्मल ओ आर चाहिए अनलेस यू गो फॉर एक्सेस रेम्यूनरेशन इन दैट केस एस आर और प्रोफेशनल कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप पे कर रहे हो आइटम नंबर बी में यू रिक्वायर एस आर आपको इनलॉजिकल

एस आर हैज बिन रेमुनरेशन एज पर आइटम नंबर बी और ये जो ओ आर या एस आर पास होता है ना इस रिजोल्यूशन की वैलिडिटी होती है ये नहीं कि आप एक बार ओ आर या एस आर पास कर दो और दस दस साल आप पेमेंट करते रहो ना उसकी वैलिडिटी है तीन साल सो दिस इज फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री इयर्स एंड डिस्कलोजर्स दे देना दे कि जनरल मीटिंग के नोटिस में कि क्या क्या यू नो जनरल इन्फॉर्मेशन अपॉइंट के बारे में बताओ अदर इन्फॉर्मेशन बोर्ड रिपोर्ट में डिस्कलोजर दो वो ठीक है इतनी कोई बड़ी बात नहीं है नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर थ्री

क्यों क्योंकि सर स्पेशल सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं क्या है स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी क्लॉज ए कह रहा है कि सर हम ना सिक्सटी लैक्स पे कर रहे थे और जो एक्सेस वाला पार्ट है ना मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं सिक्सटी लैक्स वाला तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी अमाउंट पे कर रहा हूँ उसके जो एक्सेस वाला पार्ट है ना वो कोई और कंपनी पे कर रही है मैं नहीं पे कर रहा मेरी कंपनी नहीं पे कर रही एक्सेस वाला पार्ट कोई और कंपनी पे कर रही है और वो कोई और कंपनी पता है कौन सी है या तो वो एक फॉरेन कंपनी है या तो वो एक ऐसी कंपनी है जो फॉरेन नहीं है बट देयर शेयर एंड ये कोई भी जो कंपनी है इसने इसने अपनी limits, इस, अपनी managerial remuneration की limits में उस excess part को इंक्लूड कर लिया है और वो वन के लिमिट्स के अंडर है मतलब उस कंपनी के पास प्रॉफिट है उस कंपनी के पास एंड दैट अदर कंपनी ट्रीट दिस अमाउंट दैट इज द एक्सेस पार्ट एज मैनेजर फॉर 197 एंड इट्स टोटल मैनेजरल रेम्योरेशन इंक्लूडिंग सच एक्सिस पार्ट इज विद इन द परमिसेबल लिमिट अंडर वन अरे भाई तो उसको कोई दिक्कत नहीं है उसकी लिमिट कंप्लाइड है तो लॉ को क्या दिक्कत है तो ये एक्सिस पार्ट कोई और कंपनी पे करने दो नेक्स्ट वेयर द कंपनी इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी भैया आज के इसमें आपको पता है स्टार्टअप कंपनी है सबसे पहला काम क्या होता है स्टार्टअप का मार्केट एक्विजिशन वो प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देती तो प्रॉफिट तो होएगा ही नहीं लेकिन सर पेमेंट करनी पड़ती है मोटी मोटी जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स है उसके होल टाइम डायरेक्टर्स है तो उस केस में उनको बोला ठीक है, है भैया सात साल तक नई नई कंपनी है सात साल तक आप एक्सेस पेमेंट दो ऊपर वाले सेक्शन को भूल जाओ नेक्स्ट इट इज कंपनी एंड रिवाइवल रिहेबिलिटेशन कोई भी रिवाइवल और स्कीम इज रिहेबी बाय बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन तो बी आई फर ने देख के पास किया होगा ये स्कीम उसके अंदर कुछ अच्छे लोग चाहिए अच्छे लोग चाहिए तो फिर पेमेंट करनी पड़ेगी मोटी मोटी सैलरीज की तो इन दैट केस बी आई फर ने देखा है तो पांच साल तक अलाउ कर दो ठीक है पांच साल फ्रॉम द सेंशन ऑफ द स्कीम ऑफ रिवाइवल आप अलाउ कर दो एक्सेस पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव बाई एनसीएल अंडर आईबीसी अगेन अगर एनसीएल हम पढ़ने वाले आईबीसी में वहां पे प्लान अप्रूव हो गया है ये रिजोल्यूशन प्लान वगैरह आपको वहां पे समझ आएगा ज्यादा रिजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव हो गया है तो फिर पांच साल तक आप अलाउ कर दो एक्सेस पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है या फिर ये वैसे ही मिलता जुलता केस है कि रेम्युनेशन इज अप्रूव एंड फिक्स बाय बी और एन तो रेम्युनोरेशन वाला पार्ट फिक्स ही स्पेसिफिकली ये पार्ट फिक्स किया है एक्सटर्नल बॉडीज ने तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है एक्सेस पार्ट जाने दो अच्छा अब ये जो तीन स्पेसिफिक हमने स्पेशल पढ़े ना इसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी है क्या यू हैव टू कंप्लाई विद द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर टू मतलब ये चारों जो कंडीशन थी एक दो तीन चार ये तो करनी करनी है आपको मैं नीचे और तीन कंडीशन बताऊंगा ये भी कंप्लाई करनी है क्या है वो तीन कंडीशन ध्यान से पढ़ो फर्स्ट दैट पर्सन दैट मैनेजर पर्सन इज नॉट रिसीविंग रेम्यूनशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी मतलब वो दो दो जगह से रेमुनेशन नहीं ले रहा सर दिमाग में डाउट आ रहा है क्या आ रहा है सर आपने अभी तो बोला ये वाला पार्ट में कोई और कंपनी पे कर रही है इसीलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन पैरा ए ये वाले पैरा को छोड़ के मतलब बी और सी में वो कहीं दो जगह से सैलरी नहीं लेना चाहिए ठीक है नेक्स्ट ऑडिटर सी ऑफ द कंपनी और अगर सीएस नहीं है तो सीएस इन होल टाइम प्रैक्टिस वो दो चीजें सर्टिफाई करेगा पहला

उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है एंड उनकी रेमुनरेशन के ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है और ये जो राइटिंग में लिख कर दिया है ना ये सर्टिफिकेट इट बी फाइल्ड विद फॉर्म नंबर इज टू क्लियर है बात प्लस उनको एक और चीज सर्टिफाई करके देनी है कि बाकी जितने भी टोटल क्रेडिटर्स है ऊपर तो हमने सिर्फ सिक्योर क्रेडिटर से बात करी लेकिन जितने भी टोटल क्रेडिटर्स है वहां पर कहीं पे भी कोई डिफॉल्ट नहीं है एंड जितने भी डिपोजिट होल्डर्स है उनके भी ड्यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं है सब सेटल हो रहा है टाइम से क्लियर है बात तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना सिर्फ सिक्योर्ड एंड टर्म लेंडर्स की बात कर रहे हैं ठीक है सर एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताया कि अदर डायरेक्टर का मतलब है एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट अ बिग डील अच्छा देर आर सर्टन परक्विजिट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेमुनरेशन सीलिंग दो मिनट ओके सेक्शन नंबर फोर कहता है कुछ परक्विजिट्स है जो आप दे दो और इस मैनेजेरियल रेमुनरेशन की सीलिंग से ओवर अ नंबर हम दे, दे देंगे मतलब कैलकुलेशन में सपोज आपका पूरा हो रहा है कैलकुलेशन साठ लाख का पूरा पे कर रहे हो है व्हाटएवर इट इज तो उसके ऊपर आप ये परक्विजिट्स दे सकते हो ठीक है सो दीस आर नॉट इंक्लूडेड इन द मैनेजेरियल रेमुनरेशन सीलिंग ऑफ सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 फर्स्ट हम ये तीन जो पढ़ेंगे ये सारे मैनेजर के लिए फायदा दे रहे हैं पैराग्राफ में क्या क्या पढ़ो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर फंड है पुट टुगेदर कंडीशन क्या है सिंगली और पुट टुगेदर दीज आर नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट अगर इनकम टैक्स एक्ट की लिमिट ब्रीच कर दी और वहां टैक्स हो गया तो यहां पे भी आपकी सीलिंग में आ जाएगा नेक्स्ट ग्रेच्युटी उनको पे कर रहे हो मैक्सिमम ऑफ सर्विस रियलिटी में इतनी ही पे करी जाती है तो एक्स्ट्रा फायदा है एंड लीव एंड कैशमेंट प्रोवाइडेड आप टेन यूर के एंड में ले रहे हो अगर मैं ऑलरेडी एम्प्लॉय हूँ और मैं अभी आई एम नॉट माई टेन यूर इज नॉट गेटिंग एंडेड लेकिन मैं पहले उसकी लीव एंड कैशमेंट करा लेता हूं तो फिर वो आपको यहां पर सीलिंग में ओवर एंड अब नहीं मिलेगा काउंट किया जाएगा क्लियर सो दिस शुड भी एट द एंड ऑफ द टेन यूर तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा अच्छा एक्सपर्ट मैनेजरियल पर्सन इंक्लूडिंग एनआरआई मतलब के लोग, फिरंगी, NRI, उनके लिए ना हम ये तीन तो फायदे देंगे ही देंगे ये तीन तो दे है। ये तीन max max दो बच्चों के लिए क्योंकि बाहर वालों के जनरली आप तीन बच्चे देखोगे लेकिन हम फायदा देंगे दो बच्चों के लिए मैक्स टू मैक्स दो बच्चों के लिए हम आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अगर अलाउंस मिल रहा है तो वो मैनेजर रेम्यूनरेशन में काउंट नहीं किया जाएगा प्रोवाइडेड कितना नहीं काउंट किया जाएगा अप टू पर पर मंथ चाइल्ड और एक्चुअल एक्सपेंसेस एवर इज लेस सर बच्चे कहां पढ़ने चाहिए इंडिया या बाहर कहीं पे भी चल जाएगा दे मे बी स्टडिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया तो मैक्स टू मैक्स दो बच्चे पर मंथ बारह पर चाइल्ड और एक्चुअल एक्सपेंसेस एवर इज लोअर तो अगर आप पंद्रह हजार खर्च कर रहे हो तो हम बारह हजार का बेनिफिट देंगे आठ हजार खर्च कर रहे हो तो आठ हजार का बेनिफिट देंगे क्लियर है नेक्स्ट पैसेज फॉर चिल्ड्रेन स्टेइंग आउटसाइड इंडिया और फैमिली स्टेइंग अब्रॉड अब ऐसे होता है ना कि एक जैसे मिस्टर पैट्रिक है यूएस का बंदा है इंडिया में प्रोजेक्ट के लिए आया चार साल के लिए तो पैट्रिक की फैमिली या बच्चे जनरली बाहर पढ़ रहे हैं तो उन बत, उनके बच्चों के लिए उनकी फैमिली के लिए और उसके जो बाहर रह रहे हैं तो उनके लिए हम ये हॉलीडे पैसेज दे रहे हैं तो अगर आपको मिल रहा है passage, ये पैसेज उस मिस्टर पैट्रिक के रेमेशन में नहीं काउंट किया जाएगा ये, ये बात क्लियर हाँ सर पैसेज़ आउटसाइड इंडिया और फैमिली और जाना है? साल में एक बार अगर आप इकोनॉमिक हो और दो साल में एक बार अगर आप फर्स्ट क्लास से आ रहे हो तो ध्यान रखना इकोनॉमिक की class, so आपको साल में एक बार अलाउ कर देंगे रिटर्न पैसेज आपको मतलब पैट्रिक की फैमिली को या पैट्रिक के बच्चों को क्लियर है बात और अगर आप फर्स्ट क्लास से आ रहे हो और बड़े पैसे खर्च कर रहे हो तो फिर दो साल में एक बार अलाउ करेंगे अगर उससे ज्यादा करते हो तो आपकी मैनेजर की लिमिट में वो चीज आ जाएगी ओके okay? ठीक है और ये ध्यान रखना प्लीज प्लीज ये ध्यान रखना हॉलिडे पैसे आप किसको दे रहे हो आप उसकी चिल्ड्रन और फैमिली को दे रहे हो आप उसको नहीं दे रहे हो वो यहां पे आके बाहर जा रहे हैं मिस्टर पैट्रिक बाहर जाके इंडिया वापस नहीं आ रहा है ठीक है सो दिस इज बीन गिवन टू द चिल्ड्रन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर स्टडी और स्टे अब्रॉड जो बच्चे उसके बाहर पढ़ रहे हैं जो उसकी फैमिली बाहर रह रही है वो आएंगे इंडिया और वापस जाएंगे एंड दिस विल ऑब्वियसली बी द केस दैट दे आर नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया विद द मैनेजर पर्सन अगर इंडिया में रह रहे तो फिर कैसे दोगे उस हॉलीडे पैसेज में तो साथ में रहते हैं ना ठीक है नेक्स्ट लीव ट्रेवल कंसेशन तो रिटर्न पैसेज मतलब घूम के वापस आएंगे in कह रहा है, मुझे इंडिया में नहीं घूमना मुझे अपनी स्पेन कंट्री जहां का मैं वहां पे घूमना है तो ठीक है भाई तू एलटीसी ले ले और तेरे को हम इस रेम्यूशन की लिमिट एलटीसी को नहीं डालेंगे क्लियर है बात अच्छा अब सर बात आती है जो आपने पढ़ाया ना इफेक्टिव कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कैसे करें बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में इसके ऊपर आपका आंसर गलत हो सकता है इफेक्टिव so, कैपिटल में आपको लेना है शेयर मतलब अलॉटमेंट हुई नहीं है और एडवांस को एक्सक्लूड कर रहे हो क्योंकि अभी मैंने वो पैसा मंगवाया नहीं है आपने एडवांस में दिया है तो अभी वो के पैसा ड्यू नहीं है ओके शेयर प्रीमियम ऐड करना है मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको रिजर्व सरप्लस ऐड करना है ऑब्वियसली रिवेलुएशन रिजर्व एक्सक्लूड हम हर जगह करते हैं क्योंकि नकली रिजर्व होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर वन ईयर आपको ऐड करना है क्यों क्योंकि सर एक साल से ज्यादा है, मतलब में आपने एक ही है। आपने के में तो पैसा लगाया है बट इसके अंदर जैसे कि किसी ने बैंक ऑडिट किया हो फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन मतलब क्या होता है लोन को रीपे करने के लिए आप लोन लेते हो अगर तो वैसा केस है फंडेड है फंडेड मतलब पैसा लगा रखा है तो अगर फंडेड है मतलब लोन करने के लिए आपने लोन लिया हुआ है, तो उस में इंक्लूड कर लेना गारंटी भी आपको करनी है, क्योंकि ये तो एक कंटीन्जेंट uh, लाइबिलिटी होती है एंड एनी अदर शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट आपको एक्सक्लूड करना है आपको लॉन्ग टर्म पैसा इंक्लूड करना है क्योंकि वो कंपनी के कैपिटल में जाता है नेक्स्ट यू हैव टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स क्यों माइनस कर रहे हैं क्योंकि सर पैसा तो बाहर चला गया

किस दिन करे तो केस देखो कि अगर कंपनी जिस साल इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी का बर्थडे जिस दिन कंपनी ने बर्थ लिया है उसी साल में अगर अपॉइंटमेंट हो रही है तो कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेकिन अगर कोई भी और केस है तो ऑब्वियसली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ईयर लास्ट डेट मतलब थर्टी मार्च तो लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द अपॉइंटमेंट फाइनेंशियल ईयर जिस साल हुआ उससे पहले इकतीस मार्च सर ये फैमिली फैमिली जो आप बोल रहे थे ऊपर उसमें फैमिली का मतलब क्या है एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर काउंट नहीं किए जाएंगे यहां पे बहुत बढ़िया एमसीक्यू बन सकता है जो आईसीआई ने आज तक मेरे सामने नहीं बनाया ध्यान रखना क्लियर नेक्स्ट निगेटिव कैपिटल मतलब सर ऑब्वियसली लेस देन जीरो एक्सप्लेनेशन पोर कहता है कि आप सारे के सारे फाइनेंशियल पोजिशन अपॉइंटिंग इंफॉर्मेशन ये सारी डिटेल्स आप इंक्लूड करना अप्रूव रेब्यूनोरेशन अप्रूव करते वक्त जब एनआरसी इस चीज को अप्रूव करेगी तो ये सारे फैक्टर्स देखेंगी एंड ऑब्जेक्टिविटी इट हैज़ टू एनआरसी हैज़ टू स्ट्राइट ऑब्जेक्टिविटी बिटवीन द रेमुनरेशन पैकेज एंड बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर मतलब जनरल है एनआरसी को सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है अच्छा अगर आप मैनेजरल पर्सन के डायरेक्ट टैक्सेस री करते हो

ये पूरी डिटेल भाषा छोड़ दो जो मैंने समझाया है है उसको सुन ये 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 की जो वो करेंगे ने कह दिया है। और छोटा सा प्रोसीजरल पॉइंट है ऑडिटर और सी एस ऑफ द कंपनी या अगर नहीं जरूरत तो इन दैट केस सी एस इन होल टाइम प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लिख के देगा क्या दैट रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल नंबर फाइव भी आपको फॉर्म नंबर एम आर वन के साथ आपको आर ओसी को सबमिट करना है क्लियर है पार्ट पार्ट uh, कहता है कि सीजी चाहे तो कुछ एग्जिशन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है मॉडिफिकेशन दे सकता है कोई बड़ी बात नहीं है नेक्स्ट सेक्शन नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये केस कब लगता है जब कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स है जब कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स है तो ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेमुनरेशन और वो सब बातें हम करेंगे सो so, सबसे पहले सब सेक्शन ध्यान रखना ये सेक्शन ही पब्लिक कंपनी पे लगता है ये सेक्शन ही पब्लिक कंपनी पे लगता है ठीक है ऐसा नहीं कि सारी कंपनीज़ पे लगा के हम एक्समिशन नोटिफिकेशन लेके आ अपने डायरेक्टर्स को एमडी को मैनेजर को सबको मिला के कितना दे सकता हूं ग्यारह परसेंट और ग्यारह परसेंट से ऊपर जाना है तो ऑर्डिनरी ये फर्स्ट प्रोविजन है ठीक है तो टोटल सब कुछ मिला के मैं ग्यारह परसेंट दूंगा सर ग्यारह परसेंट किसका इलेवन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट्स सर नेट प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करने वन नाइनटी एट में क्लास के एंड में अभी आपको दिखाऊंगा क्लियर है बात और ऑब्वियसली वन नाइनटी एट की कैलकुलेशन में आप डायरेक्टर रेमुनरेशन माइनस मत करना पर क्यों अरे मेरे भाई डायरेक्टर रेमुनरेशन निकालने के लिए ही नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो तो उसको एक्स टू लेके रिवर्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टर रेमुनरेशन को गोली मारो डेबिट में मत डालना डायरेक्टर रेमुनरेशन क्योंकि वही हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्लियर है बात ग्यारह परसेंट से ऊपर जाना है तो ओ आर की जरूरत है सब्जेक्ट टू शेड्यूल फाइव वो ऑब्वियसली अगर नो no प्रॉफिट्स का केस है अच्छा, section 197 मैंने आपको बताया, not applicable to private company, क्योंकि section apply ही सिर्फ public company पे करता है तो प्राइवेट कंपनी को 92-137 वन देखने की भी जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि सर एक्जन नोटिफिकेशन नहीं है ये, सेक्शन ही पब्लिक कंपनी में अप्लाई करता है ओके okay. सरकारी कंपनी पर भी वन नहीं लगता अब आगे आ जाओ जरा सेकेंड प्रोविजो अब हम बात करेंगे कुछ रेम्यूनरेशन की परसेंटेज की स्पेसिफिक लिमिट्स के बारे में आपको एस एसआर तो चाहिए, चाहिए प्लस आपको एक और कंप्लाइंस करना है मैं बता देता तो हूं वो पहली बता रहा हूं कि एसआर के साथ साथ आपको ये कंप्लाइंस करना है ये वही चार लोग वही चार लोग इन चारों लोगों का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डिफॉल्ट है तो इनका अप्रूवल पहले

एम होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर मैंने कहा इधर आओ जरा तीनों ये देखो आ गए हंसते हंसते आए हाँ सर हमें मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर होल टाइम मैनेजर प्यार से हमें बोला जाता है पर्सन ओके okay. मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप कितने जने हो कंपनी में सर हम तो एक ही है ठीक है तो आप पांच परसेंट तक ले सकते हो नेट प्रॉफिट्स का सर हम दो है दो है ठीक है तो आप टोटल ले सकते हो टेन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट्स का सर हम तीन है तो भी आप ले सकते हो टेन परसेंट प्रॉफिट्स का अब इसके अंदर एक वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन पॉइंट जो आईसीआई ने भी पूछा था ध्यान से अगर दो बंदे अपॉइंटेड है तो टोटल तो टेन अलाउड है लेकिन एक को कितना अलाउड अलाउड है है मैक्सिमम ही सर क्यों क्योंकि जब मैं चीज बोलता हूं एनी वन ऑफ देम उसको पांच परसेंट दो और मैं बोल रहा हूं एंड एंड मतलब जब मैं बात करूंगा मोर देन वन की तब मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा मैं इसको भी ध्यान में रखूंगा तो उन्होंने क्या बोला अगर मोर देन वन है टेन तो परसेंट टोटल पे करो लेकिन ये भी तो चीज आपको देखनी है ना कि एक को आप मैक्सिमम पांच पे कर सकते हो तो एक को फिर आप पांच पांच सर तीन है तो क्या मैं पांच 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 कर दू ना पंद्रह अलाउड ही नहीं है ना टेन अलाउड है और एक को पांच अलाउड है तो आप इसको कैसे भी स्ट्रक्चर कर लो आप इसको पांच टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव कर दो सर मैं इसको सिक्स कर दू नहीं बेटा ये पांच अलाउड है थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है हाँ सर ओके मैं इसको जरा मिटा दू क्लियर है अब आपको ये लाइन समझ में आ रही है कि मैनेजर पर्सन के केस में देर रेमुनरेशन परसेंटेज डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी ऑफ देम आर अपॉइंटेड अब बात करते हैं अदर डायरेक्टर्स की ये फालतू तो के डायरेक्टर है फालतू मतलब एमडी होल टाइम डायरेक्टर नहीं है मैंने कहा इधर आओ सारे बाकी डायरेक्टर इधर आओ वो आ गए सारे झुंड बना के आ गए हाँ सर बताओ 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 मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके कंपनी में कोई एमडी टाइम डायरेक्टर है मैनेजर है क्या उन्होंने कहा हाँ सर है मैंने कहा यार बड़े लोग अपॉइंटेड है वहां पर मुझे पांच या दस देना पड़ेगा तो फिर आपको तो मैं एक ही परसेंट दूंगा आपको एक परसेंट से ज्यादा नहीं दूंगा अप अलाउड है। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर वहां पे तो कोई नहीं है ठीक है तो आप ज्यादा ले लो आप वन की जगह ले लो क्लियर है इसको एक्सक्लूड करने वाला था लेकिन भाई दिल मानता नहीं है ना ये इसके बिना मैं कैसे आगे बढ़ू पढ़ो जल्दी एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर अदर डायरेक्टर अगर एक ही बंदा अपॉइंटेड है तो मैं यहाँ पे दूंगा पांच परसेंट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ठीक है तो टोटल आएगा फाइव परसेंट अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है यहाँ पे अदर डायरेक्टर एक है तो मैं इसको दे सकता हूँ अपटू थ्री परसेंट क्लियर अगर यहाँ पे दो है और यहाँ पे कोई भी नहीं है तो मैं इनको दे सकता हूँ तो टोटल टेन परसेंट ये बेसिकली मैं टोटल मैक्सिमम परसेंटेज निकाल रहा हूँ कंपनी का अगर यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे दो है फर्क नहीं पड़ेगा मैं इनको दे सकता हूँ तीन परसेंट अगर यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है तो मैं दूंगा इसको पांच ये बेसिकली आपको समझ आ रहा है ना फॉर्मेट पहला वाला जो है वो एमडी डी होल्ड टाइम डायरेक्टर मैनेजर का है और दूसरा वाला अदर डायरेक्टर्स का और क्योंकि एक एमडी परसेंट, तो परसेंट यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब अदर डायरेक्टर की बात छेड़ते हैं ना तो एक हो दो हो तीन हो फर्क नहीं पड़ता हमेंट तो यहाँ पे दो है तो टेन परसेंट और यहाँ पे एक है उससे फर्क नहीं पड़ेगा हम देखेंगे यहाँ पे कोई है तो वन परसेंट इलेवन परसेंट मैं आपको एक ट्रिक बताऊं मैं आपको एक ट्रिक बताऊं अगर आपके कैलकुलेशन में कहीं पे भी आंसर बारह परसेंट आ गया तेरह परसेंट आ गया इसका मतलब आपने गलती करी है कहीं ना क्यों सर आप कहीं पे भी देख लो मेरा आंसर ग्यारह से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि सर टोटल ग्यारह के ऊपर जा ही नहीं सकता ना टोटल जाएगा कैसे ग्यारह के ऊपर ये तो लॉ नहीं बोल रखा है तो अगर आपका आंसर सपोज आपने गलती से पेपर में टेन प्लस थ्री कर दिया दिमाग में घंटे बच जानी नहीं चाहिए तेरह आ ही नहीं सकता ग्यारह के ऊपर आंसर आएगा ही नहीं कहीं पे किसी भी केस में क्लियर है बात और इस वाले केस में ध्यान रखना अगर दो है एम डी डायर और होलटाइम डायरेक्टर मैनेजर कोई भी दो पोस्ट है तो एक को आप मैक्सिमम पांच परसेंट ही पे कर सकते क्लियर है बात तो अब आपके जो फाइनल आंसर्स बनेंगे मैंने जस्ट एक हिंट के लिए दे दिया अब ये बनेंगे या तो थ्री या तो फाइव या तो सिक्स या टेन या टोटल इलेवन ये आपके आंसर में आना चाहिए टोटल मैक्सिमम मैनेजरल रेमुनरेशन परसेंटेज लिखना है तो लिख लो और आप कोई भी ऐसा केस बना लो कितने भी कोई भी केस बना लो आपका आंसर ग्यारह से ऊपर नहीं आएगा आ रहा है तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो क्लियर अच्छा ये थोड़ा सा प्रोसीजरल पॉइंट है स्पेसिफिक केस में निधि के केस में आ, ये वाले परसेंटेजेस नहीं लगते और स्पेशल अगर किसी स्पेशल पेमेंट की जा रही किसी डायरेक्टर को तो जस्ट इसकी रीडिंग ले लेना ले कि सेकंड प्रोविजो जो बात करता है इन परसेंटेजेस की इट शल बी मॉडिफाइड दैट रेम्यूनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर जो कि एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर नहीं है नॉर्मल डायरेक्टर है वो कोई स्पेशल सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है निधि के लिए तो उसको आप जो भी एओए में दिया हुआ है वो सर्विसेज के हिसाब से आप एक मंथली पेमेंट कर सकते हो प्रोवाइडेड आपको कंपनी का अप्रूवल चाहिए इन द जनरल मीटिंग एंड ऑल्सो इट शेल बी सब्जेक्ट टू बैलेंस प्रोविजन ऑफ वन नाइनटी सेवन मेंबर्स का अप्रूवल से भी आपको छुटकारा मिल सकता है अगर तीन केसेस है क्या कंडीशन है पहला निधि के पास कोई मैनेजर पर्सन नहीं है दूसरा रेम्यून जो पे की जा रही है टू ऑल द डायरेक्टर्स इट नॉट एक्सीड लोअर ऑफ टेन परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट पे कर रहे हो अंडर क्लॉज बी वो अप्रूव्ड है बाय एस ठीक है तो इसके अंदर बहुत ही प्रोसीजरल है मॉडिफिकेशन फॉर निधि कोई ज्यादा मतलब बहुत डिटेल में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अच्छे से रीडिंग ले लो अच्छा आगे वन ने क्या बोला

वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आप रेम्युनोरेशन पे करते हो इट इंक्लूड्स रेम्युनोरेशन पेबल टू द डायरेक्टर इन एनी अदर कैपेसिटी मतलब वो डायरेक्टर की जगह कोई और काम करता है डायरेक्टर जैस मतलब एक डायरेक्टर की तरह तो करता ही करता है एनी अदर कैपेसिटी में भी काम कर रहा है तो वो भी आपको इसके अंदर इंक्लूड कर लेना है एक्सेप्ट इन टू केसेस मतलब अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पढ़ो प्रोविजो रेम्यूनोरेशन फॉर सर्विसेस रेंडेड टू एनी सच डायरेक्टर इन अदर कैपेसिटी शल नॉट बी इंक्लूडेड इफ फर्स्ट सर्विसेस आर ऑफ प्रोफेशनल नेचर एंड और नहीं एंड इन द ओपिनियन ऑफ एनआरसी अगर वन सेवन एट लगता है नहीं तो इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड क्या ओपिनियन बन रहा है दैट डायरेक्टर पोजिस क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन मतलब सी ए डॉक्टर कुछ होगा जो भी होगा उसकी उसके पास क्वालिफिकेशन है क्लियर है तो दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है तो ही उसको यह फायदा मिलेगा कि उसकी वो वाली रेम्यूनरेशन अदर कैपेसिटी वाली इस मैनेजर रेम्यूरेशन की लिमिट से बाहर हो जाएगी एक्स्ट्रा मिल जाएगी क्लियर हाँ सर मिनट सिटिंग फीस सिटिंग फीस मिलती है डायरेक्टर को क्यों टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग जैसे ऑडिट कमिटी और फॉर एनी अदर पर्पज व्हाट्सो एवर लेकिन इनलॉजिकल है क्यों क्योंकि पर मीटिंग एक लिमिट लगाई लगाई गई है तो ये एनी अदर पर्पज लिख के कंफ्यूज हो जाता है बच्चा बट लॉ में है तो लिख लो ठीक है और वुमेन डायरेक्टर की फीस बाकी डायरेक्टर से कम नहीं इक्वल रहेगी, रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी सब 7, हो चुका है सब सेक्शन एट कहता है कि नेट प्रोफिट आपको कैलकुलेट करने हैं आप उसको पेमेंट कैसे दे सकते हो मंथली दे दो मैनेजर पर्सन को पेमेंट पूरे साल होने के बाद नेट प्रॉफिट का परसेंटेज दे दो या पार्टली दोनों कर लो हमें क्या फर्क पड़ता है टोटल का ध्यान रख लेना अच्छा अगर सर एक्सेस रेमुनरेशन ड्रॉ करी गई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर विदाउट द रिक्वायर्ड अप्रूवल रेमुनरेशन मिलती है तो उस डायरेक्टर को वो अमाउंट रिफंड करना है टू द कंपनी विद इन टूर्स और एनी अदर लेसर पीरियड अलाउड बाय द कंपनी ज्यादा नहीं कर सकते हम दो का तीन नहीं कर सकते दो का एक कर सकते हैं ओके एंड अंटिल दैट सम इज रिफंडेड ही शैल होल्ड दैट अमाउंट इन द ट्रस्ट फॉर द कंपनी अब सबसे टेन आके पूछता है कि क्या कंपनी का अगर मन है टू वेव द रिकवरी कंपनी के लिए छोड़ो यार एक्स्ट्रा अमाउंट जा चुका है जाने दो कम उसी के पास रहने दो क्या ऐसा हो सकता है हाँ आपको दो कंडीशन का कंप्लायंस करना है पहला एस पास करना है विद इन टू ईयर्स और दूसरा ध्यान रखना है कि क्या वही चार लोग वही चार लोग क्या उनके अगेंस्ट कोई डिफॉल्ट है अगर है तो उनका अप्रूवल ले लो अगर है तो उनका अप्रूवल ले लो क्लियर है बात अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है या फिर इन प्रॉफिट्स है तो आप कोई भी अगर रेमुनरेशन इंक्रीज करते हो दैट इंक्रीज शुड ऑल्सो भी एज पर बोलने की जरूरत नहीं थी एंड दिस इंक्रीज कैन बी थ्रू एनी कोई रिजोल्यूशन मेमोरेंडम एग्रीमेंट एनीथिंग अच्छा आपको कुछ डिस्कलोजर देने हैं किसको देने हैं सिर्फ और सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी को अपनी 134 की बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या सबसे पहले आपको एक रेशियो देना है

नेम ऑफ एवरी अदर एम्प्लॉय हुईडर फाइनेंशियल ईयर ही इज अर्निंग मिनिमम टू लाख रुपीज वन करोड़ टू लाख रुपीज अगर पूरे साल एम्प्लॉयड नहीं है कुछ महीने है तो इसी का अगर आप प्रोराटा करोगे डिवाइड बाई ट्वेल्व कर देना डिवाइड बाई ट्वेल्व कर देना तो बनेगा साढ़े आठ लाख रुपए महीना अगर ये उन्होंने लॉ ने बोला कि भैया ये बहुत बड़ी बड़ी लिमिट है तो इनके हिसाब से डिस्कलोजर दो ये कौन लोग है अगर ये इन दोनों में फॉल नहीं करता लेकिन लेकिन अगर वो इंद्र में फॉल नहीं कर रहा बट वो अगर एम्प्लॉयड है इधर फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देर ऑफ लेकिन ही इज इन रिसीट ऑफ रेमुनरेशन इन दैट ईयर विच इन एग्रीकेट और एट द रेट मतलब जो भी अगर वो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए है तो उसका रेट जो बन रहा है इट इज इन एक्सेस ऑफ द मैनेजरियल पर्सन एमडी होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर के से भी ज्यादा वो अमाउंट ड्रॉ कर रहा है एंड सेकेंड कंडीशन ही अलोंग विथ हिज पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन इज होल्डिंग मिनिमम टू परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इक्विटी नॉर्मल शेयर कैपिटल नहीं प्रेफरेंस नहीं डिवेंचर नहीं सिर्फ इक्विटी तो अगर वो ये दो कंडीशन कर देता है तो भी उसका नाम हमें चाहिए चाहे वो इन दोनों में ना आता हो क्लियर है सब रूल वन कहता है जनरल डिटेल्स दो पेरोल पे कौन कौन है uh, सब रूल थ्री कहता है कि रेम्यूरेशन की डिटेल्स क्वालिफिकेशन एज ऑफ दैट डायरेक्टर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सारी डिटेल्स दो कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा कभी कभार ना एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर सीईओ सीएफओ एफ ओ सारी बड़ी बड़ी पोस्ट है इनके लिए ना हम इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेते हैं ताकि कल को अगर इनकी गलती नहीं थी ये गिल्टी नहीं थे लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी आ जाती है पेमेंट की तो हम उस इंश्योरेंस पॉलिसी का यूज करें एंड दे डोंट हैव टू बियर द लाइबिलिटी ऑफ इट क्लियर है ऐसी पॉलिसीज जो लेते हैं उन पॉलिसीज का जो प्रीमियम है सपोज मैंने एमडी के लिए लिया तो उस पॉलिसी का प्रीमियम विल दैट बी इंक्लूडेड इन द रेमेशन ऑफ एम आंसर इज नो अनलेस ही इज अनूवन टू बी गिल्टी क्लियर है बात तो इट शेड नॉट बी प्रीमियम शेड नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेमरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन अनलेस ही इज प्रोवन टू बी गिल्टी ओके टॉक्स अबाउट अ स्पेसिफिक केस कि एमडी या होल टाइम डायरेक्टर कंपनी से कमीशन उठा रहा है उस कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी से वो रेमुनरेशन या कमीशन उठा सकता है कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट तो नहीं बन जाएगा तो वन नाइनटी है लेने दो रेमुनरेशन कमीशन लेने दो प्रोवाइडेड बोर्ड रिपोर्ट का डिस्कलोजर हो रहा है

199 रिकवरी ऑफ रेमुनरेशन एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर सीईओ इन सारे लोग इन सारे लोगों से मुझे पैसा रिकवर करना है तो सर पैसा क्यों रिकवर करना है क्यू रिविकवर करना है क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट करना पड़ गया और प्रॉफिट कम ज्यादा हो गया सर रिकवरी कब आएगी जब प्रॉफिट कम होगा फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड लैक्स का प्रॉफिट था उसके हिसाब से मैंने एमडी को पेमेंट कर दी एक परसेंटेज बेसिस पे लेकिन मेरा प्रॉफिट हो गया फिफ्टी लैक्स तो उसकी रेमुनरेशन की लिमिट कम हो जाएगी रेमुनरेशन की लिमिट कम हो जाएगी तो इट विल बी अस ऑफ एक्सेस रेमुनरेशन पेड दैट यू नीड टू रिकवर अंडर सेक्शन वन नाइनटी नाइन

क्लियर है एंड दिस शेल बी ऑब्वियसली विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ रिकवरी की बात छेड़ रहे हैं इन स्पेसिफिक चार पांच जनों के लिए सर बाकी डायरेक्टर्स की रिकवरी भी तो होगी हाँ होगी लेकिन वो उन्होंने 199 में नहीं बोला है बस इ 199 में इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बोला क्लियर 200 हंड्रेड कंपनी टू फिक्स लिमिट विद रिगार्ड टू रेमुनरेशन जब भी कंपनी में बात आएगी कि भैया रेमुनरेशन कितनी लगानी है वो फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे जैसे कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है उस इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशन क्या है लास्ट तीन साल में कंपनी का ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है रिलेशनशिप बिटवीन रेमुनरेशन एंड परफॉर्मेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टर्स को बहुत पेमेंट कर रहे हो इंप्लाइज को बहुत कम कर रहे हो रेमुनरेशन पॉलिसी ओवरऑल क्या है डायरेक्टर्स ने सिक्योरिटीज वगैरह कितनी हेल्ड कर रखी है मतलब ये बेसिकली आपको रीड करना है कि सारे फैक्टर्स कंसिडर करके आप रेमुनरेशन की लिमिट सेट अच्छा, ये सिंपल सी बात कह रहा है. क्या कह रहा रहा है है क्या कि सर अगर हम CG में कोई एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड डायरेक्टली एक एप्लीकेशन फाइल कर दे और मेंबर्स को पीछे से पता ही नहीं है वो गलत हो जाएगा तो पढ़ो इन सच फॉर्म एज मे बी ऑलरेडी बता दिया फॉर्म नंबर

अब 202 वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपनेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजर ध्यान रखना जब कंपनी अपने MD, थी। तो सबसे पहली ऐसा कोई भी अगर आपको देना है तो कंपनी है सिर्फ तीन जनों को अलाउड है एमडी टाइम डायरेक्टर मैनेजर सर अगर मैं नॉर्मल डायरेक्टर हूं मैं एमडी होल टाइम डायरेक्टर नहीं हूं तो मुझे टू में पेमेंट दोगे ना प्रोहिबिटेड ने बोला नेक्स्ट केसेस बताऊंगा जिसके अंदर आप पेमेंट नहीं कर सकते क्या मर्जर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और नई कंपनी में उसको जगह मिल गई है नई कंपनी में उसको पोजीशन मिल गई है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ओल्ड टाइम डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर तो हम बोलेंगे लॉस तो हुआ नहीं ना तुझे तो नई जगह कंपनी में जगह मिल गई तो तेरे को पेमेंट क्यों देंगे ओके आर द डायरेक्टर रिजाइन

प्रोवाइडेड द वाइंडिंग और डिफॉल्ट ऑफ डायरेक्टर अब तेरेजेंस डिट की, की पेमेंट लेगाजमेंट ऑफ द कंडक्ट ऑफ अफेयर मतलब कंपनी उसकी सब्सिडरी या होल्डिंग के रिस्पेक्ट में उसने कुछ गड़बड़ करी है तो गड़बड़ करी है तो गिल्टी पाया गया कहां से पेमेंट लेगा निकलो डायरेक्टर हैज़ इंस्टिगेटेड मतलब प्रोवोक किया उसने क्या इंस्टिगेटेड और टेकन पार्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन ब्रिंगिंग टर्मिनेशन ऑफिस अरे भाई तूने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है तूने खुद ही प्रोवोक किया अपना अपना टर्मिनेशन तो फिर पेमेंट क्यों दूंगा नेक्स्ट अब आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर अमाउंट कितना देना है तो आपको एक अमाउंट निकालना है फॉर ईयर और उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इयर से तो सबसे पहले बात करते हैं सर ये नंबर ऑफ ऑफ कितने लेने हैं यू हैव टू टेक रिमाइंडर टर्म और years, अगर चार साल की नौकरी रहती थी मतलब उसका टेन यूर चार साल का रहता था तो मैं तीन से मल्टीप्लाई करूंगा दो का रहता था तो मैं दो से करूंगा तो टाइम तो क्लियर है इन टू नंबर ऑफ इयर क्या करना है अब सर अमाउंट क्या लेना है दिस अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर अ ईयर क्यों सर क्योंकि आप नंबर ऑफ इयर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लॉजिकल है नॉर्मल right? तो साल का अमाउंट क्या लेना है

लेट से मे में ये चीज छोड़ रहा है ही सीजिंग टू होल्ड ऑफिस तो वो मार्च तक की लेते हैं नहीं आपको उस डेट से पहले के तीन साल देखने हो सकता है आपको इंडिविजुअली uh, मंथ्स या डेट्स की भी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए एक पेपर में ये वाला सवाल आ रखा है आर टीपी में आया था I think, I think, uh, या उसमें क्लियर तो आपको फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको डेट वाइज कैलकुलेशन करनी है और सर अगर मैंने ऑफिस ही तीन साल से कम होल्ड कर रखा है तो आपको वो शॉर्टर पीरियड uh, लेना है तो फिर तीन साल नहीं लेना है क्लियर है ये बात अच्छा एक स्पेसिफिक केस है जो बात करता है प्रोविजो 2202 सब सेक्शन 3 एंड इट सेज दैट इन दिस पर्टिकुलर केस एनी पेमेंट टू मैनेजरियल पर्सन इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड तो मैं कह सकता हूं इन छह केसेस को छोड़ के एक और केस बनता है जिसमें आप पेमेंट नहीं दे सकते क्या तो सबसे पहले पूछो सर क्या हुआ वाइंडिंग अप कमेंस हुई है अच्छा सर कब हुई है एनी टाइम बिफोर और आफ्टर वाले में मतलब सीजिंग के बाद विद इन मंथ्स वेदर बिफोर और एट एनी टाइम विद इन मंथ्स आफ्टर द डेट ऑन विदिन टी सी ओल्ड मतलब वो जब जब ऑफिस ऑफिस में उसने office जब छोड़ा उससे पहले कभी भी या उसके ऑफिस छोड़ने के बाद विद इन ट्वेल्व मंथ्स में अप कमेंस हो गई है लेकिन सर हम प्रोहिबिट क्यों कर रहे हैं हम उसको पेमेंट क्यों नहीं दे रहे बिकॉज वी हैव इन सफिशेंट फंड एक्सप्लेन पढ़ो अट्स ऑफ द कंपनी ऑन द वाइंडिंग अप

अच्छा नथिंग इन दिस सेक्शन शल बी डीम टू प्रोहिबिट पेमेंट टू पर्सन इज मैनेजरियल फॉर एनी सर्विस कोई और अदर कैपेसिटी में काम किया है एज ए चार्ट अकाउंटेंट उसने कोई स्पेसिफिक सर्विस दी है तो फिर वो हम पेमेंट अलग रखेंगे वो दे देंगे लेकिन एज अ मैनेजरियल पर्सन तेरे को जो पेमेंट दी हुई हम रोक देंगे क्लियर है बात अच्छा अगर आपको जैसे यहाँ पे पढ़ा ना आपने गिल्टी यहाँ पे गिल्टी पढ़ा तो ये गिल्टी मतलब मेयर एलिगेशन नहीं चलेंगी आपको प्रूव करना पड़ेगा गिल्टी है आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसकी पेमेंट डी हो रही है और कंपनी बोले इसके इसके ऊपर केस फाइल कर दो एलिगेशन डाल दो और उसकी पेमेंट रोक दो ना नहीं चलेगा नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट एक केस लॉ है बेल वर्सेस लेबर ब्रोस इसमें क्या हुआ था बेसिकली मैं बताता हूँ कंपनी ने ये सब हुआ मैनेजर पर्सन छोड़ के जाने वाला था और कंपनी ने बोला काम करते हैं लेट से एक लाख रुपए भी तक को दे देते हैं और बाद में फिर देखते एलिगेशन प्रूव होते या नहीं होती फिर हम देख लेंगे पता चला कि उसने उस बंदे ने गिल्टी था जिसको पेमेंट दी मैनेजल पर्सन वॉज गिल्टी एंड इन एक्चुअल रियालिटी ही वॉज नॉट सपोज टू बी पेड एनी थिंग कंपनी के लिए जो एक लाख रुपए दिया था ना वो वापस कर ना कंपनी की गलती पहले पेमेंट क्यों करी अब वो अमाउंट रिफंड नहीं करेगा तो पढ़ो इफ एनी कंपेंसेशन इज पेड टू द मैनेजर पर्सन हु इज लेटर फाउंड टू बी गिल्टी दैट अमाउंट कैनोट बी रिकवर्ड इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बैंक में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था सेक्शन नंबर टू जीरो थ्री अपॉइंटमेंट ऑफ के एमपी होल टाइम कंपनी का मतलब एमडी सीईओ या मैनेजर और अगर ये तीनों नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर सीएस एंड सी क्लियर है एक छोटा सा सवाल अंदर से वही है ना सर मैं मैं रोक नहीं पाता एक सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या बोला मिस्टर एक्स है सीए है सीएस है क्या वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीईओ एंड कंपनी सेक्रेटरी दोनों का काम कर सकते हैं या फिर सी एस एंड सी एफ ओ दो की से, एक, तो मतलब तो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूं तो मैं होल टाइम सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा फॉर वन पर्सन टू होल्ड मोर देन वन पोस्ट साइमल्टेनियस नेक्स्ट अब आ जाओ किन कंपनीज को होल टाइम केएमपी चाहिए एवरी लिस्टेड कंपनी

पर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज एम डी और सी ई ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ द सेम टाइम मतलब चेयरपर्सन एंड एमडी या फिर चेयरपर्सन एंड सीओ वो नहीं लग सकता एट द सेम टाइम्स आर्टिकल्स कह देते हैं कंपनी के आर्टिकल कह रहे हैं हमें तो अलाउ करवाना है तो करवा दू कोई दिक्कत नहीं है या फिर कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस सर ये जो रोक रहे ना आपको प्रोहिबिशन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके मल्टीपल बिजनेस में हर एक बंदा ढंग से ध्यान दे पाए लेकिन अगर आपका मल्टीपल बिजनेस है ही नहीं एक ही बिजनेस है तो फिर चेयरपर्सन और एमडी और चेयरपर्सन और सीईओ एक साथ लगने दो कोई इशू नहीं है अच्छा अब मैं एक सेकंड आपको बताऊंगा जिसमें हम बोलेंगे कि ये जो प्रोहिबिशन है ना ये लगेगी ही नहीं कुछ कंपनीज पे मतलब उन केसेस में ये प्रोहिबिशन नहीं लगेगी आप एक साथ अलाउ कर देना ये पोजिशन पढ़ो क्या फर्स्ट uh, प्रोविजो मतलब ये वाला फर्स्ट प्रोविजो जो प्रोहिबिशन पड़ा दिस नॉट अप्लाई टू पब्लिक कंपनीज जिनकी

तो अगर आपको बोला गया सब्सिडरी में अपॉइंटेड है होल टाइम के एमपी क्या वो होल्डिंग में भी लग जाए कतई नहीं बिल्कुल नो 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 ओके सो आई कैन बी अपॉइंटेड एज अ होल टाइम के एमपी इन एक्सेप्ट इन इट सब्सिडरी एट द सेम टाइम आगे पढ़ो अब वो आप बंदा आके पूछ रहा है होल टाइम के एमपी सर आपने मुझे होल टाइम के एमपी के लिए तो रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊं आप बन जाओ ना बोर्ड की परमिशन ले लो कोई इशू नहीं है ठीक है सेकंड प्रोविजन ट्रांजिशनल है सिक्स मंथ्स वो छोड़ दो कंपनीज एक्ट जब आता है उसके लिए लगते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट समझो क्या अब ध्यान से समझना एक मिस्टर स्मार्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन अदर कंपनी मतलब किसी और एक कंपनी का वो या तो एम डी है या तो मैनेजर है प्लस एक कोई और कंपनी उस मिस्टर स्मार्ट को अपना एमडी लगा रही है मैनेजर नहीं प्लीज बेटा ध्यान से वो अपने कंपनी में एमडी लगा रही है मिस्टर स्मार्ट क्या है किसी एक और कंपनी में एमडी या मैनेजर मेरी कंपनी उसको एमडी लगा रही है मुझे दो कंडीशंस कंप्लाई करनी है क्या सबसे पहला यूबीआर यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन और दूसरा स्पेसिफिक नोटिस याद आया एजेंडा वाली बात बताई थी आपको वन सेवन थ्री सबसेक्शन में हाँ सर याद आया

मैनेजर एंड इन इंद्र एपसेंस होल टाइम डायरेक्टर इनके रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा सेक्शन नहीं लगता इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सीएफओ और सीएस में लग जाएगा क्लियर तो अगर एमडी रिजाइन कर जाता है तो छह महीने में आपको फिल करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट कंपनी के सेक्रेटर ऑडिट फॉर बिगर कंपनी सेक्रेटर ऑडिट कौन करता है सर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस करता है कौन सा फॉर्म देता है फॉर्म नंबर देता है किन किन को कराना है एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी प्रिस्क्राइब कंपनी कंपनी में एवरी कंपनी सिर्फ पब्लिक नहीं एवरी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरिंग्स फ्रॉम बैंक और पी एफ आई एक्सीड्स और इज इक्वल टू वन हंड्रेड करोड़ ध्यान रखना ये अमेंड हुआ था यहाँ पे एवरी कंपनी इंक्लूड कर रहा हूं और यहाँ पे सिर्फ बैंक और पी एफ आई के लोन बोरिंग देख रहा हूँ क्लियर है और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेडअप शेयर कैपिटल है मिनिमम पचास करोड़ या फिर टर्न ओवर है मिनिमम ढाई सौ करोड़ ये पुराने वाले जैसा ही चलता है ठीक है तो एज इट इज आपको लर्न करना है कंपनी की ड्यूटी है असिस्टेंस प्रोवाइड करो और कोई क्वालिफिकेशन रिमार्क्स आते हैं सेक्रेटरी ऑडिट की रिपोर्ट में तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है बोर्ड को एक्सप्लेन करना इन द बोर्ड रिपोर्ट ठीक है एस पर वन थर्टी फोर सी के फंक्शंस क्या है बोर्ड को रिपोर्ट करना कंपनी जैक्ट में क्या क्या चीजें चल रही है क्या क्या गलतियां हुई है उनकी उनसे उसके ऊपर यू नो रिमार्क्स एंड ऑब्जर्वेशन देना एंश्योर करना कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स फुलफिल हो रहे हैं प्लस सी एस विल ऑल्सो हेल्प इन रिप्रेजेंटेशन एक्टिविटीज किसी अथॉरिटीज वगैरह के यहाँ पे जाना आर वगैरह में आप देखोगे सी

ना तो फिर मैं क्लियरली एक बात बता दूं ये ऐसी चीजें पेपर में आ रखी है आपके मटेरियल में में भी दे रखी है और जिस दिन ये ऐसा कंपलसरी क्वेश्चन आ जाएगा ना बच्चे कहेंगे सर आ, बहुत मुश्किल पेपर आया नहीं आप मुश्किल नहीं बोल सकते जब चीज आपके सामने और आप पढ़ के नहीं जा रही हो तो अगर अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको घर पर इसको रिवाइज करना है डाउट आए तो मेरे से पूछना है क्लियर है हाँ अब मैं आपको चीजें लेके चल रहा हूं कि आपको पीएनएल कैसे कैलकुलेट करना है ठीक है डू नॉट गिव क्रेडिट इन पी एन एल फॉर द फॉलोइंग मतलब आपको पीएनएल में क्रेडिट साइड में ये चीजें नहीं लेके जानी क्या 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 बाय वे ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज क्यों सर मेरा रोज का काम थोड़ी है प्रीमियम पे इशू करना सो so, इसीलिए बोला अनलेस इट्स एन इन्वेस्टमेंट कंपनी एज पर के एक्सप्लेनेशन में बताया था इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए शेयर्स का इशू करना रोज का काम हो सकता है इसीलिए उसका प्रीमियम क्रेडिट में जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फोर्फिटेड शेयर अगेन मेरा रोज का काम नहीं है इसलिए नहीं जाएगा कैपिटल प्रॉफिट रोज के नहीं होते इसलिए नहीं जाएंगे कैपिटल फ्रॉम सेल ऑफ अंडरटेकिंग एसेट्स इन प्रॉपर्टी मेरा रोज का काम नहीं है ये यू नो इसको कहते हैं ना अनयूजल प्रॉफिट है इसीलिए नहीं जाएंगे अनलेस द कंपनी इज होली और पार्टली पार्टली भी चल जाएगा इन द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग सच अट्स और प्रॉपर्टी अब भैया कंपनी का काम ही प्रॉपर्टी डीलिंग है तो फिर उसका तो फिर क्रेडिट में जाएगा ना क्योंकि कंपनी का धंधा है वो अभी जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना नोट इन सेल ऑफ इन केस प्लीज गिव क्रेडिट फॉर सो मच मतलब हम ये पढ़ते पर हमें समझ में नहीं आता है थोड़ा इसको मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ फिक्स एसेट सेल हुई है डब्ल्यूडीवी है आठ ओरिजिनल कॉस्ट है दस और सेल हुई है चौदह की प्रॉफिट कितना हुआ सर हम ये तो हमें पता है छ का ओके पीएनएल के क्रेडिट में छे लेके जाऊं आंसर इज नो कितना लेके जाऊंगा दो क्यों सर दिस इज इन शॉर्ट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस वी कैन से दिस इज डेप्रिसिएशन रिवर्सल ये बात बात समझ में आई है है वही बात उन्होंने लिखी दोबारा पढ़ो अगर मेरा सेल वैल्यू मोर देन डब्ल्यू डीवी है मतलब प्रॉफिट हुआ है तो पीएनएल पीएनएल में क्रेडिट उतना ही दो जितना ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डब्ल्यू डीवी है इसका मतलब है डेप्रिसिएशन का रिवर्सल है एक्चुअल में प्रॉफिट मेरा कितना है इस केस में छे नहीं है सेल माइनस कॉस्ट है असली में मेरा चार ही है तो मैं इस छे को डिवाइड कर रहा हूँ चार और दो में ये मेरा असली प्रॉफिट है ये तो कॉस्ट तक लेके आया ना तो ये आपको पीएनएल में अलाउड है और ये अलाउड नहीं है अनलेस कंपनी का धंधा है सेल करना क्या बात क्लियर हो रही है चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज इन इक्विटी रिजर्व सरप्लस इन पी ऑन मेजरमेंट ऑफ असट और लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू ये फेयर वैल्यू के चेंजेस आप कर रहे हो ये असली में पैसा नहीं आ रहा है तो कोई क्रेडिट नहीं है अनरियलाइज गेन्स नोशनल गेन्स रेल ऑफ असट अगेन ये आपका पैसा रियलाइज नहीं हुआ है गिव क्रेडिट इन पी एन एल फॉर द फॉलोइंग बाउंड्रीज सब्सिडीज रिसीड फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड और अथोराइज इन दिस बिहार एनी गवर्नमेंट तो कोई सब्सिडी आ रही है कोई बाउंड्री आ रहा है गवर्नमेंट ने आपकी कोई हेल्प करी है उसको क्रेडिट में क्रेडिट में लेके जाओ अनलेस सीजी आपको स्पेसिफिकली बोलती है कि आपको नहीं लेके जाना ठीक है ये सीजी बोल रही है सिर्फ और कोई अथॉरिटी ने अच्छा आपको अगेन यू डू नॉट हैव टू डिडक्ट द फॉलोइंग इन पीएनएल मतलब ये एक्सपेंसेस जो है आपके नहीं माने जाएंगे क्या क्या इनकम टैक्स या सुपर टैक्स सुपर टैक्स मतलब टैक्स ऑन टैक्स तो जो भी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपके टैक्सेस है वो पर्सनल लाइबिलिटी है काइंड ऑफ तो वो आपके पीएनएल के डेबिट में नहीं जाएंगे वॉलेंट्री कम्पेंसेशन पेड दैट इज नॉट ड्यू टू एनी लीगल लाइबिलिटी आपके ऊपर लीगली कोई लाइबिलिटी नहीं थी आपने मन से कोई कंपनेशन पे कर दिया किसी केस में वो हम आपको डेबिट करने नहीं देंगे कैपिटल लॉस इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग बट अगर सपोज आपने अंडरटेकिंग कि सेल या स्क्रैप वैल्यू थी आठ और डब्ल्यू डीवी थी दस तो दस माइनस आठ दो आपको अलाउड है सर तो इन एसेंशियल दिस इज माई डिप्रीसिएशन ओनली ना क्योंकि डब्ल्यू डीवी कम हो गई है ठीक है दस से आठ हो गई है तो डब्ल्यू डीवी माइनस सेल आप माइनस कर देना लेकिन बाकी कोई लॉस अगर आपका है तो आपको हमारा अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि आपका रोज का काम नहीं है इजड इन इक्विटी रिजर्व एंड सरपल इन पी एन एल ऑन मेजरमेंट ऑफ अट लाइब्रिटी एट फेयर वैल्यू ऐसी बात है ये असली में पैसा नहीं है और ये कह रहे हैं हम ये खर्चा आप माइनस कर देना डिडक्ट कर देना कोई दिक्कत नहीं है सारे के सारे खर्चे कर देना डायरेक्टर के रेम्युरेन माइनस कर देना एक्सेप्ट वेन यूर कैलकुलेटिंग वन नाइन सेवन क्योंकि सर हम नेट प्रोफिट निकाल ही डायरेक्टर रेम्युनिशन के ले रहे हैं तो वो एक्स लेकर थोड़ी ना सॉल्व करेंगे ओके। बोनस कमीशन सैलरी टू एम्प्लॉयज ठीक है एंगेज इन होल टाइम और पार्ट टाइम पार्ट टाइम वालों का भी माइनस कर लेना कोई इशू नहीं है अब या एक्सेस प्रॉफिट्स के ऊपर अगर कोई टैक्सेस लगाए जा रहे हैं या कोई स्पेशल स्पेशल रीजन याकमस्टांसेस जैसे कोविड का कुछ रिलेटेड लगा दिया कल को या ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक लगा दिया स्पेशल लगा दिया एक्सेस लगा दिया एक्सेस प्रॉफिट्स पे टैक्स लगा दिए तो माइनस कर देना नॉर्मल इनकम टैक्स या सुपर टैक्स अलाउड नहीं है सारे इंटरेस्ट माइनस कर देना डिबेंचर्स पे मॉडगेजेस सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन्स वो माइनस कर देना रेवेन्यू के खर्चे माइनस कर देना कैपिटल ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग वगैरह खरीद रहे हो वो थोड़ी ना माइनस करने वन एटी वन के चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप डेबिट कर दो कोई इशू नहीं है वन ट्वेंटी थ्री के आपका कंपनी सेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है वो माइनस कर देना अनएब्जॉर्ब लॉसेस है वो माइनस कर देना कोई इशू नहीं है कंपेन्सेशन अराइजिंग फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी ऊपर बोला कि वॉलेंटियर अगर आप पे करते हो तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे लेकिन सर लीगल लाइबिलिटी आ जाती है ने बोला आपको पेमेंट करनी है तो माइनस कर दो और उस लीगल लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में अगर मैंने कोई पॉलिसी ले रखी है और उस पॉलिसी का प्रीमियम है और सच रिस्क ऑफ लाइबिलिटी आप है. कर है आपको डेबिट करने दे देंगे दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड और चैप्टर नंबर थ्री मैं इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा भी गया जैसे ये examples, अगर आपको चाहिए वहां पे पॉज कर देना ठीक है कोई इश्यू तो मेरे से पूछ लेना मैं आपको फिर से समझा दूंगा राइट सो दिस वॉज ऑल फॉर आवर चैप्टर नंबर थ्री एंड कल का देखते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन हम रिविजन रखें ना रखें पूछूंगा आपसे टेलीग्राम पे एंड टिल देन एज यूजल ऑल द वेरी बेस्ट आई होप दिस सेशन वॉज एब्सोल्यूटली इन्फॉर्मेटिव एंड यू गॉट अ गुड होल्ड ओवर चैप्टर नंबर थ्री आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर पाऊँ ठीक है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है किसी भी सेक्शन में सो देन ऑल द वेरी बेस्ट स्टडी वेल टेक केयर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस All the very best. Study well. Take care. Be safe. Bye-bye.